मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शब्द जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं, कुछ समय से इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि भगवान है क्या, कौन कौन से तत्व इनके साथ हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान करते क्या हैं, सचमुच कुछ करते हैं, नहीं करते, या सब कुछ करते हैं, जिसे शास्त्रों ने कहा है कर्तुम न कर्तुम अकर्तुम। अन्य जगहों पर हमारे शास्त्र, वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से इनके विषय में बातें करते हैं और बताते हैं। पहला दृष्टांत वो देते हैं और कहते हैं, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पते तक हिलते नहीं खिले कहां से फूल। इस दोहे का सारांश यह है कि भगवान की इच्छा के बिना यहां कुछ भी नहीं होता। पेड़ की डाली पर अगर एक पत्ता हिलता डुलता है तो वह उनके जानने में होता है, वह उनकी इच्छा से होता है। जो कुछ भी है यहां सब उनसे ही संभव है। आगे कहते हैं, राघव से सब होते हैं बंदे ते कछुनाय, राई ते पर्वत करें पर्वत राई मां। इसका आशय यह है कि उनके चाहने से जो छोटा से छोटा है, इस दोहे में जो उन्होंने बताया है, राई जिसको सरसों बोलते हैं, सरसों का बीज बहुत ही छोटा होता है और जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये कहते हैं कि उनकी इच्छा हो, अगर वो सोच ले तो यह जो राई है ये पर्वत बन जाता है और जो पर्वत है वह राई बन जाता है। छोटा से छोटा प्राणी, छोटा से छोटा मनुष्य, क्षण भर में, पल भर में उनकी दया से, उनकी इच्छा से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। और जब उनकी इच्छा थोड़ी सी प्रतिकूल हुई तो वह जो बहुत ऊंचाई पे है, जितना भी ऊपर गया है, वहां से पल भर में वह नीचे आ जाता है। आगे हमारे शास्त्र भगवान क्या करते हैं उसके विषय में बताते हैं। एक श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। तो जब उनकी दया होती है, उनकी कृपा होती है, उनकी करुणा होती है और वह चाहते हैं, तब बताते हैं कि जो गूंगा है वह बोलने लगता है
वक्तव्य देने लगता है, और जो लंगड़ा है, जो चल फिर नहीं सकता, जो पंगु है, वह दौड़ने लगता है। रामचरितमानस में हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस संदर्भ में बालकांड में बताते हैं, उनकी लेखनी लिखती है, मुक हो ये बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल दबहु सकल कलिमल दहन। उनकी दया से, उनकी इच्छा से जब वो चाहते हैं तो यहाँ जो असंभव है वह संभव हो जाता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम सपनों में भी नहीं सोचते, वह भी हमारे सामने साकार हो जाता है। भगवान जो करते हैं वह अलौकिक है, साधारण शब्दों में उसको चमत्कार भी बोलते हैं, मिरेकल्स भी बोलते हैं। तो उनके यहाँ यह सब कुछ संभव है, और जब वह चाहते हैं, जब उनकी इच्छा होती है, तभी यहाँ जो संपन्न होना है, जो कुछ होना है, तभी होता है। ऐसे भगवान को कोटि कोटि बार प्रणाम, कोटि कोटि बार उनका धन्यवाद करते हैं, और कोटि कोटि बार उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ हर हर महादेव जय सिया राम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।